नमस्कार दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। और आप सबों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल में। और जैसा कि अभी होली का त्यौहार भी नज़दीक में ही अभी था हमारा, और वो भी खत्म हो चुका है, और अब हम लोग थोड़ा सा चलते हैं पढ़ाई की ओर। और जिसमें आज मैं बात करूंगा कॉरल ड्रॉ के बारे में, क्योंकि कॉरल ड्रॉ जैसे हम लोग एमएस वर्ड का तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में हम लोग करते गया ना, जिस तरह से चूंकि विद्यार्थियों का मांग था कि सर कॉरल ड्रॉ में कुछ बताइए, मैं चाहता हूं कि कॉरल ड्रॉ में मैं आप सबों को आज एक स्टार बनाने के लिए बताऊं। जैसे मान लीजिए कॉरल ड्रॉ में स्टार बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे और कैसे हम लोग उसको बनाते हैं। जैसे स्टार जो होता है ना, जनरली मान लीजिए स्टार रहेगा तो स्टार तो चलिए बन जाएगा, उसको जैसे मान लीजिए एक तारा का कुछ अगर डिजाइन कर देना हो तो आप उसको कैसे बनाइएगा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए जैसे मान लीजिए तो हमारा कॉरल ड्रॉ ओपन हो गया है। अब कॉरल ड्रॉ ओपन करने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारा टूल देखने के लिए मिलेगा, ये सब टूल हमारा दिया हुआ है ना। अब टूल में जब चलिएगा ना तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा, देखिए मूव टूल हो गया, पिक टूल जिसको जैसे अगर देखिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोशॉप में मूव टूल भी बोला जाता है, यहाँ पे पिक टूल इसको हम लोग बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे आइएगा तो नीचे आने के बाद देखिए एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे पॉलीगन टूल, कौन सा टूल दिया हुआ है, पॉलीगन टूल। आप सभी क्या करिएगा, पॉलीगन टूल में यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। अब पॉलीगन टूल में जैसे आप सभी क्लिक करिएगा ना तो देखिए यहाँ पे पॉलीगन मिलेगा, उसके नीचे एक ऑप्शन मिलेगा स्टार का, तो स्टार तो बनाना ही है लेकिन उसको जो है ना हम लोग क्या करना है, एक तरीका से हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे स्टार ले लेना है। अब लेने के बाद क्या करना है, इसको इस तरह से ऐसे करके डिजाइन करना है, जैसे इतना बड़ा इसको ऐसे कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे ऐसे करके इसको छोटा करते हैं और इसको हल्का सा छोटा कर लीजिएगा ऐसे। अगर मान लीजिए चाहेंगे अगर इसका आउटलाइन को अगर हल्का अगर मोटा अगर करना है, जैसे यहाँ पे 2 mm का किया हुआ है ना, तो आप इसको थोड़ा सा इतना mm का आप रख सकते हैं, मतलब हल्का इसको मोटा कर सकते हैं। तो ये तो स्टार बन गया। आपको बोलेगा सर ये तो स्टार तो मान लीजिए उससे लिए हम लोग सिंपल में बन गया, लेकिन ऐसा नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे ना, और भी थोड़ा सा इसमें डिजाइनिंग देते हैं। जैसे मान लीजिए इसको अगर ऐसे करिएगा ना हल्का सा, देखिए ऐसे अगर मान लीजिए इसको अगर कम करिएगा तो लगेगा बिल्कुल खा पी के क्या हो गया, मोटा हो गया कहने जैसा, इतना नहीं। इसको हम लोग क्या करेंगे, हल्का सा ऐसे करके थोड़ा सा इसको पतला कर लेंगे, लगभग इतना रहने दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, इसके एक पार्ट्स को हम लोग को इसको मोड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक, यहां से देखिए इसी में क्या करना है, राइट क्लिक। इसके बाद सबसे ऊपर में एक देखिए ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट टू कर्व, आपको क्या लेना है, कन्वर्ट टू कर्व करना है। क्या है कि इसके जो जैसे आप पॉलीगन जो लिए हैं इसका जो भुजाएं हैं इसको मोड़ करके हम लोग क्या करेंगे, अंदर कोर को लेकर के चलेंगे। तो उसके लिए राइट क्लिक करिएगा, फिर यहां से क्या करना है, कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। अब जैसे आप सभी कन्वर्ट टू कर्व करिएगा, उसके बाद क्या करना है ना, जैसे कन्वर्ट टू कर्व तो हो गया, मतलब इसके भुजाएं जो है मुड़ने लायक बन गई है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे ऊपर में क्या है, पिक टूल है ना, उसके नीचे जाइएगा तो क्या होगा, शेप टूल मिलेगा, आप सभी शेप टूल को ले लीजिएगा। अब इसके बाद ये जो इसका पार्ट्स दिया हुआ है ना, ये वाला पार्ट्स को पकड़ के क्या करेंगे, ऐसे करके ऊपर को ले जाइएगा ऐसे, एकदम सिंपल सा चीज है। मतलब देखिए नहीं अगर होगा तो कंट्रोल जेड कर लीजिए, देखिए एक स्टेप बैक हो जाइए। इसको कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद ये मूव टूल ये जो दिया हुआ इसको नहीं लेकर हम लोग क्या करेंगे, शेप टूल। आप जैसे शेप टूल लीजिएगा उसके बाद ये वाला पार्ट्स को क्या करना है, पकड़ के ऐसे करके ऐसे ऊपर को लेकर के जाइएगा, ठीक है ऐसे। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे इसको ऊपर को रखे हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक पॉइंट तो मेरा दिया ही हुआ है, उसके नीचे आइएगा तो यहाँ पे एक नोट देखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये नोट है, इसके नीचे एक हम लोग यहाँ पे पॉइंट ऐड करेंगे। तो उसके लिए पॉइंट कैसे ऐड करते हैं कॉरल ड्रॉ में, जैसे हम लोग राइट क्लिक करेंगे और फिर देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड का, हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे ऐड की, चूंकि देखिए यहाँ पे देखिए एक मिनट में फिर से एक बार बताता हूँ इसको, जैसे अगर ऐड अगर नहीं करिएगा इसको ऐसे खींचेगा तो देखिए पता नहीं कहाँ से कहाँ बन गया, स्टार से पता नहीं कहाँ बन गया, डांसिंग स्टार बन गया। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चले आइएगा। अब इसके बाद यहाँ से करना क्या है ना, राइट क्लिक करना है और फिर क्या करेंगे, ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद उसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट को ऐसे करके पकड़ के ऐसे बाहर को निकाल देना है, जैसे अब इसको बाहर को लेके चले आए। अब इसके बाद क्या करना है ना, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे जूम कर लीजिएगा, क्योंकि जूम करके काम करने से थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है, इसको ऐसे जूम कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से सेव और ए वाला को क्या करेंगे, ऐसे करके अच्छे से ऐसे मिलाएंगे। अब इसके बाद सिंपल में क्या करना है कि ए वाला पॉइंट को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ से टू कर्व और फिर उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके ऐसे डिजाइन करेंगे। देखिए ये हमारा क्या हुआ, हल्का सा क्या हुआ, मुड़ गया। अब ए वाला को भी हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक और फिर यहाँ से टू कर्व, कहे कि विदाउट टू कर्व किए हुए नहीं मुड़ेगा। अब इसको हल्का सा और ऐसे कर लीजिएगा, ए वाला को भी ऐसे कर लीजिएगा ऐसे, देखिए इस तरह से बन गया। अब इसको देखिए यहाँ से जैसे अरेंज करना होगा इस तरह से आप यहाँ से अच्छे से अरेंज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे चलिए इसको और हल्का सा ऐसे कर लीजिएगा, तो ये हम लोग का क्या हो गया, अरेंज हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जूम में चलेंगे, यहाँ से माइनस प्रेस करिएगा तो देखिए जूम आउट हो गया। देखिए ये हम लोग का स्टार बन गया। अब स्टार तो बन गया, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कलर फिल करते हैं। तो कलर फिल करने के लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट रखिएगा और फिर उसके बाद चले जाएंगे इस तरह का, ऐसा कलर करते हैं, येलो कलर कर दिए। अब इसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके छोटा, और इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पेज में इस तरह करके अरेंज कर देंगे। तो ये हम लोग का क्या बन गया, स्टार।
अब आपको जैसे अगर लिखना भी होगा तो यहां से इसको लीजिएगा, और फिर यहां से क्या करेंगे लिख लेंगे हम लोग STAR स्टार, ऐसे स्मॉल में नहीं लिखना है इसको, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे जैसे आप यहां से टेक्स्ट टूल लीजिएगा ना, यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको क्या चीज करने का, इसका साइज वगैरह बड़ा करने का, ऐसा कर लीजिएगा। उसके बाद ST, देखिए यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन कर लीजिएगा कीबोर्ड से, STAR स्टार ऐसा लिख लेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं इसको ऐसा करके बड़ा, बड़ा करने के बाद यहां से क्या करेंगे इसको बोल्ड, और फिर उसके बाद इसको हम लोग ऐसा करके यहाँ पे ऐसा रखते हैं, ऐसे करके अरेंज कर देंगे। इस तरह से करके हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको फिर कलर कर देंगे। तो ये हम लोग का बन गया स्टार। अब जब स्टार बन जाएगा तो स्टार बनने के बाद क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे स्टार बना है इसको लिखे भी है ना, तो इसको हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे अगर आउटलाइन के साइड साइड का अगर कलर अगर चेंज करना होगा ना, तो राइट क्लिक करिएगा यहाँ पे कलर में आके, चूंकि माउस का लेफ्ट क्लिक करिएगा तो अंदर कलर फिल होगा, और राइट साइड अगर कलर करिएगा जैसे इस तरह से राइट साइड अगर कलर कर करते हैं तो हम लोग का क्या होगा इसका आउटलाइन का कलर चेंज होगा। अब इतना करने के बाद इसको क्या करना है पूरे को ऐसे सिलेक्ट, और फिर सिलेक्ट करने के बाद यहां से क्या करेंगे देखिए ऑप्शन मिलेगा ग्रुप, और नहीं तो उसका शॉर्टकट क्या है Ctrl+G। तो आप सभी क्या कर सकते हैं Ctrl+G भी करिएगा तो चलेगा, अदरवाइज आप यहां से क्या करिएगा सिलेक्ट करने के बाद यहां से ग्रुप भी करिएगा तो चलेगा। अभी तो अनग्रुप का ऑप्शन आ गया, जैसे अनग्रुप हो गया उसके बाद फिर से इसको हमको ग्रुप करना है तो सिलेक्ट और फिर यहां से ग्रुप कर देंगे। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं स्टार को बना सकते हैं। देखिए अब इसको जहां लेके जाइए दोनों साथ साथ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं एक बेहतर और आकर्षित स्टार हम लोग बना करके कोरल ड्रॉ में सेव करते हैं। तो इस तरह से बनाना है आपको। मैं ये कोरल ड्रॉ में जो है ना बहुत सारा चीज बताने वाला हूँ। ये तो स्टार है, हम लोग कैसे दीपक वगैरह बनाएंगे, कैसे फ्लैग बनाएंगे, या फिर और कैसे विजिटिंग कार्ड वगैरह कैसे हम लोग बनाते हैं, साथ ही साथ जो बैनर वगैरह जो छपता है ना साइड में निकाल निकाल के कहीं पे, किसी का सैलून है तो चलिए ये हेयर कटिंग, किसी का मोबाइल दुकान है तो मोबाइल दुकान, उसके लिए बैनर बनता है। तो बैनर्स वगैरह ज्यादातर जो डिजाइन किए जाते हैं ये आपका कहाँ पे होता है, कोरल ड्रॉ में होता है। तो सब मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी इसी तरह से हमारे चैनल को आप सभी फॉलो करते चलें, और अगर नए अगर हैं तो आप सभी जरूर लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब आप सभी जरूर करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे अंदर का जो मोटिवेशन होता है ना उसको और बढ़ाता है। मैं आपको और भी बेहतर बेहतर चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, और अभी हम लोग जनरली कोशिश करेंगे अभी हम लोग कॉर्नर में बहुत सारा भी बेहतर बेहतर चीजों को देखने के लिए, इसलिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप लोग करें, और एक दूसरे को जरूर आप सभी क्या करें इनवाइट करें हमारे चैनल के लिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, देखते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और असाइनमेंट के साथ। धन्यवाद।